पीछे की तरफ देखो कैसे कैसे पेड़ हैं ये। मानोगे नहीं, मेरे साथ इतना बड़ा कोइंसिडेंस हुआ। मेरा एक ऐसा काम था जो 3-4 महीने से अटका पड़ा था, वो बहुत बड़ा काम था, वो हल नहीं हो रहा था किसी भी वजह से, और मुझे एक्सपेक्टेशन बहुत कम हो गए थे और उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी कि ये कभी सॉल्व होगा भी। ये देखो भाई, प्यारा व्यू है। रास्ते देख लो भाई कैसे हैं यहाँ के। यहाँ से भैया हमको लेके जा रहे हैं कंस किले पे। दिल टूट जाने का दुख हुआ, पैसे चले जाने का दुख हुआ, भाई ने धोखा दे दिया तो दुख हुआ, अपने करीबियों को खो दिया तो दुख हुआ, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुख हुआ, पर एक झलक जब मेरी तुझ पे पड़ी, न जाने क्यों दुख खुशियों में बदलने लगा। ये कैसी माया है तेरी कृष्णा। वृंदावन जो कि यमुना के किनारे पर स्थित है, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश की सिटी है, इसे यहाँ ब्रज भूमि कहा करते हैं। कृष्ण जी ने अपना सारा बचपन यहाँ की गलियों में ही गुजारा। वृंदावन जिसमें वृंदा माने होली बसिल और वन माने जंगल को कहा करते हैं। तो चलिए चलकर देखते हैं कृष्णा जी की नगरी। हाय गाइस, मथुरा और वृंदावन की पावन धरती पर आप सभी का स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ मथुरा में और मथुरा से अभी डायरेक्टली हम बाहर जाने वाले हैं घूमने। अभी मैं यहाँ पर आके रुका हूँ ब्रिजवासी सेंट्रम करके एक होटल में, जो कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के काफ़ी पास में था, तो इजी यहाँ से कनेक्टिविटी थी, इसलिए मैं यहाँ पे आके रुक गया। और इसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे और जो रूम है वो काफ़ी क्लीन है और अच्छा रूम है, मतलब 3 लोगों को ईजिली अकोमोडेट कर सकता है। ये रूम का प्राइस मुझे पड़ा 3,500 रुपये पर नाइट के हिसाब से, तो आप भी अगर आना चाहो तो आप रुक सकते हो। फिलहाल तो मेरा रूम पूरा ख़राब हो गया, पर फिर भी मैं दिखा देता हूँ। ये कुछ है नज़ारे रूम के, और सामान पड़ा हुआ है मेरा, और यहाँ से बाहर अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट आपको ये ट्रेन जाती हुई दिख रही है। ये जस्ट पास में ही है, थोड़ा सा आगे की तरफ यहाँ पर रेलवे स्टेशन पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे इजी एक्सेस है इस चीज़ का। अभी मैं बाहर चलता हूँ और बाहर चल के आपको दिखाता हूँ। और सबसे पहले आपको ये विश कर दूँ कि रक्षाबंधन और जन्माष्टमी का त्यौहार है, तो आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई जन्माष्टमी की और साथ ही साथ रक्षाबंधन की भी। फिलहाल मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी सिस्टर और मदर के साथ। वैसे तो आपको पता होगा कि मैं सोलो ट्रैवल करना प्रेफर करता हूँ, बट रक्षाबंधन का टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो एक व्लॉग मम्मी और सिस्टर के साथ भी शूट कर लिया जाए। और खैर वो आना तो नहीं चाहेंगे कैमरा पे, पर अगर आएंगे तो मैं मिलवाता हूँ। और अभी हम होटल के बाहर चलते हैं और घूमते हैं फाइनली चल के वृंदावन। तो गाइस फाइनली हम होटल से आ चुके हैं अभी कृष्ण जी की जन्मभूमि को देखने, और ये कुछ सड़क के नज़ारे हैं आप देख सकते हो। ये जस्ट बाहर का नज़ारा है और अभी शाम की 4 बज रही है। आसपास यहाँ पे बहुत सारा सामान खरीदने की और कृष्ण जी को चढ़ाने के लिए प्रसाद मिलता है जो आप ले सकते हो। एक्चुअली गाइस बाहर से ऐसे नज़ारे हैं, ये कृष्ण जी की जन्मभूमि है और अंदर से ये बहुत बड़ी जगह है, पर बात ऐसी है कि यहाँ पर अंदर कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ। हमने सारा मोबाइल जितने भी कैमरास थे वो सब ये सामने जो आपको जगह दिख रही है यहाँ पर जमा कर दिया था। मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 2 रुपये प्रति बैग के हिसाब से ये सारी चीज़ें रख लेते हैं और आपको कुछ भी अंदर ले जाने नहीं देंगे एक्सेप्ट आपके पैसे के अलावा। तो ये चीज़ ये जगह आपको खुद ही आके देखनी पड़ेगी यार, यहाँ पर ये चीज़ें जमा होती है जो आपको सामने दिख रहा है। नहीं दिया, तो फिलहाल हम यहाँ से सीधे जा रहे हैं और
पीछे की तरफ है जन्मभूमि, और यहाँ से अगर आप सीधे जाओगे तो सीधे की तरफ आपको दिखेगा पोटरा कुंड करके, जो आपको इस रास्ते पे दिखेगा। और यहाँ पे आसपास काफ़ी सारी शॉप्स हैं, और यहाँ से हम सीधे जा रहे हैं अभी पोटरा कुंड की तरफ, जो चल के मैं आपको वहीं पर दिखाता हूँ। जन्मभूमि में तो बिल्कुल भी कैमराज अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है। तो खैर, यहाँ पे होपफुली दिखाता हूँ कैसा व्यू आता है। जो पोटरा कुंड है ना गाइज, उधर एक्चुअली कुछ भी था ही नहीं, उधर सिर्फ श्री कृष्ण जी के कपड़े धोए जाते थे और तो कुछ भी नहीं होता था। और ये देखो, ये है मेरी मम्मी, हाय बोल दो। और ये मेरी सिस्टर, मैंने बोला था ना कि मिलाता हूँ, वैसे ये कैमरा के सामने आना नहीं चाह रहे थे, पर ठीक है, मिल लिया आप लोगों ने मेरी फैमिली से। और अभी हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? अभी हम कंस किले पे जा रहे हैं, और वहाँ से हम जाएंगे विश्राम घाट पे। कंस किला तो मोस्ट प्रोबेबली पूरा ख़त्म हो चुका है, सरकार ने उसको अच्छे से मेंटेन इतना खास किया नहीं है। तो हम अभी जाएंगे वहाँ से पैदल होके विश्राम घाट, क्योंकि जो कंस किला है ना, कंस किला तक ही गाड़ी जाती है, उसके बाद वहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा ऑल द वे टू विश्राम घाट। तो चलो चल के दिखाता हूँ। रास्ते देख लो भाई कैसे हैं यहाँ के। यहाँ से भैया हमको लेके जा रहे हैं कंस किले पे, उचकते हुए डांस करते हुए जा रही है गाड़ी। पर कोई भी नहीं है भैया आज इस रास्ते पे, ऐसा लग रहा है हम ही जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, कि आप दूसरे रास्ते से लाए हैं हमें? कंस किले का यही रास्ता है, वहाँ पर मिल जाएंगे आगे। अच्छा, तो भैया बता रहे हैं कि ये जो जितने भी सामने जो आपको घाट दिख रहे हैं, ये पुराने कितने भैया, 50 साल पुराने घाट हैं? 50 साल पुराने घाट हैं। और आगे की तरफ है कंस किला, जो चल के अभी देखते हैं अपन। डांस कर रहे हैं हम तो डांस हो रहा है यहाँ। ओ भैया बादल तो अभी हम लोग आ चुके हैं कंस किले पे, और यहाँ पे कर लिए ये नाव, और ये नाव हमको अभी लेकर जाने वाली है विश्राम घाट पे और द्वारकाधीश टेंपल पे। एक्चुअली प्लान ऐसा था कि पहले हम कंस किले को विज़िट करने वाले थे, पर कंस किला जो है वो बंद हो जाता है, और नहीं सॉरी, जो द्वारकाधीश टेंपल है वो बंद हो जाता है, और कंस किला जो है वो खुला हुआ रहता है, तो उसको बाद में भी हम देख सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी ये है यमुना नदी आप लोगों के सामने, ये पूरी, और ये जो सामने पीछे की तरफ दिख रहा है ये कंस किला है। और हमने दिए हैं 150 रुपीज़ पर पर्सन ये दोनों जगहें विज़िट करने के लिए। वैसे तो आप पैदल भी जा सकते हो, ये जो पीछे का रास्ता है यहाँ से आप पैदल जा सकते हो उधर की तरफ, पर अगर आपको बोट से भी जाना है तो आप जा सकते हो। खैर, बोट के भी अपने ही मज़े।
एकदम पुरानी सी बोट है, पेट्रोल से चलती है। और यहाँ से होते हुए अभी हमारे भैया हैं और यहाँ से हम जाएंगे उधर की तरफ। तो चल के दिखाता हूँ मैं नज़ारे। उधर बैठ जाता हूँ। हम तीन ही लोग हैं। उधर जाएं? सब उधर जाएंगे। तो हम तीन ही लोग हैं गाइस और जा रहे हैं। आप देख रहे हो आवाज कितनी कर रही है ये बोट। तो सामने देखो बिल्कुल चांद कितना प्यारा दिख रहा है। मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि कैमरा में प्रॉपर कवर नहीं होगा, पर अगर कवर होता तो मैं ज़रूर दिखाता। और मेरी मम्मी मछलियों को खाना खिला रही है। ये जो चांद रिफ्लेक्शन आ रहा है ना पानी में, ये चांद का ही है पूरा। और वो आपकी आंखों के सामने ये चांद है, बहुत प्यारा लग रहा है यार यमुना नदी में। एकदम ठंडी हवा आ रही है मस्त सी। और अभी टाइम हो रहा है शाम की 7 बजी है और 7 बजे के आसपास जो द्वारकाधीश टेम्पल है वो बंद भी हो जाता है। और विश्राम घाट में 7:30 बजे के आसपास आरती होती है, जो मैं आप लोगों को चल के दिखाता हूँ वहाँ पे। और फिलहाल आप नज़ारे देखो, वो सामने जो आपको दिख रहा है वो कंस किला है उधर की तरफ। और ये पूरे जो पुराने पुराने घाट बने हुए हैं यहाँ पर, और बहुत मस्त माहौल है यार। पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। घाट है ये पुराने। अच्छा, जो गाइस वासुदेव जी जो कृष्ण जी को लेकर गए थे ना, वो इसी जगह से लेके गए थे। ये वाली वो जगह है सामने जो आपको दिख रही है। गाइस तो हम निकल गए हैं अभी फाइनली यहाँ से, पर अभी मैं यहाँ से डायरेक्टली जा रहा हूँ विश्राम घाट। और आप देख सकते हो कितना प्यारा नज़ारा है ना। ये देखो, ये पूरी जो रेज आ रही हैं पानी के ऊपर कितनी प्यारी लग रही हैं। तो ये वाली जगह वही है गाइस जहाँ पर आरती भी होती है, और यहाँ पे ही कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण जी ने आके विश्राम किया था। थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ। और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे, कंस किला से, जो इधर की तरफ है मेरे पीछे की तरफ। और ये द्वारकाधीश टेम्पल दिखाया,
और वहाँ की तरफ आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो विश्राम घाट वहीं है। खैर कंस किला शायद बंद हो गया होगा, मिलेगा नहीं, तो होपफुली कल मॉर्निंग में अगर हुआ तो मैं आपको चल के दिखाऊंगा, पर अभी चलते हैं उधर की तरफ। कंस किले से निकलने के बाद मेरी मम्मी जो थी उनको, आपको पता है कि हिंदुस्तानी औरतों की आदत रहती है बारगेन करना, तो वो एक ही बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ था वो माना नहीं, तो फाइनली हमें ज़्यादा पैसे देके ऐसे जाना पड़ रहा है। देख लो कैसे जा रहे, मानते नहीं है ना लोग। मैं तो बोल रहा था कि चलो, पर आप सुने ही नहीं। चलो इसका भी मजा ले लिया ना। अब यहाँ से हम जा रहे हैं एक जगह पे, फिर वहाँ से दूसरी ऑटो पकड़नी पड़ेगी और फिर हम बिरला मंदिर जाएंगे, वरना हम पहले डायरेक्ट जा सकते थे वहाँ से, पर मेरी मम्मी मानी नहीं। मत सुना करो मम्मियों की, बता दे रहा हूँ, मम्मियों की सुना करो, डबल मजा आएगा। जा रहे हैं भैया इससे ऑटो वापस चेंज करके और फाइनली 90 रुपए भरे। हाँ मतलब 10 रुपए कम लगे हमको, पर अब हम टैक्सी में बैठ के जा रहे हैं बिरला मंदिर, तो चल के दिखाता हूँ वहाँ पे क्या है वो। तो गाइस ये है बिरला मंदिर, ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। एक्चुअली हमने जाके अंदर सब देख तो लिया, पर अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैं आपको अंदर से तो नहीं दिखा पाऊँगा, पर ये बहुत ही प्यारा मंदिर है। यहाँ की जो मूर्ति है वो बहुत प्यारी है, बहुत आकर्षित है, तो एक बार आके इसको विज़िट ज़रूर करना। इसके आसपास छोटा सा एक मार्केट है और अभी थोड़ी देर में ये वैसे भी बंद होने वाला है, तो अभी हम जा रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ और वहीं मिलते हैं। तो गाइज़ ये है हमारा होटल सेंट्रम ब्रिजवासी, जो मैंने दिन को आपको दिखाया था। यहाँ पे एक्चुअली ख़ास बात यह है कि ये जो साइड में रेस्टोरेंट है ना, ये बहुत प्यारा है यहाँ, और जस्ट ऊपर की तरफ हमारा राइट की साइड आप देख सकते हो होटल है, और लेफ्ट की साइड यहाँ पे बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। तो फाइनली वहाँ से मंदिर देख के तो वापस आ गए, और फिलहाल अभी मैं होटल में हूँ और अभी नीचे जा रहा हूँ। जो मैंने आपको आते वक्त दिखाया कि जो यहाँ पे खाने की जगह वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, तो वहाँ पे चलते हैं अभी। खैर आप ये लॉबी देख, लॉबी है पूरी और ये रूम्स बने हुए हैं यहाँ पर, और मेरा 103 नंबर है यहाँ पर, और अभी हम नीचे जा रहे हैं। अच्छा है यार, एक डिसेंट प्लेस है। और यहाँ से बाहर जाओगे तो बाहर जाके यहाँ पे बैठने की जगह है, यहाँ कॉमन वॉशरूम है, और यहाँ पे कुछ ऐसे व्यूज़ हैं, यहाँ पे मेरी सिस्टर बैठी हुई है यहाँ पे, और यहाँ के कुछ ऐसे व्यूज़ हैं। सीधे नीचे शहर दिखता है पूरा बेसिकली, और नीचे ही इनका जो ये वाली जगह है ना, ये बहुत फेमस रेस्टोरेंट है यार यहाँ का। मैंने देखा भी सारी गाड़ियाँ कंटिन्यूसली आ रही है, रुक ही नहीं रही है, तो उस हिसाब से पता पड़ रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा फेमस दुकान है ये। और यहाँ पे रहा होगा डायरेक्ट यही बस स्टैंड है, तो यहाँ से जो कनेक्टिविटी है बहुत ईजी है, और दूसरे यहाँ पर ऑटोज़ भी, ई रिक्शाज़ आपको ईज़िली मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से भी ईज़िली जा सकते हो कहीं भी, तो ये बहुत अच्छा है यार। इसलिए मुझे ये होटल बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे कनेक्टिविटी है। अगर आप मथुरा में, स्पॉन्सर्ड नहीं है ये पोस्ट होटल के बारे में, मैं जनरली मैं खुद यहाँ पे रुका हूँ, तो मैंने भी पैसे दे के यहाँ पे रुका है, तो आपको भी अगर आने की इच्छा हो तो आ सकते हो। खैर चलते अभी अपन नीचे, और नीचे दिखाता हूँ आपको कुछ खाया जाए। थक गए यार पूरे दिन में घूमते घूमते, बहुत थक गए, नीचे चलते हैं अभी। कुछ लिया क्या? कुछ लिया?
नीचे से गाइज, अभी तो हम खा के ऊपर आ गए और काफ़ी टाइम हो गया, पर आपने देखा कितनी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे फ्री में सामान बट रहा है। एक्चुअली कल रक्षाबंधन भी है ना, तो शायद इस वजह से हो सकता है कि लोग बहुत आ रहे हों, पर यहाँ का एक्चुअली खाना एक क्लास है भाई। अगर यहाँ पर आओ तो इस जगह को विज़िट ज़रूर करना, और जो चीज़ भी खाओगे ना वो आपको बहुत फ्रेश लगेगी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इस टाइप का टेस्ट मिलेगा। खैर अभी तो बंद हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यार इसकी एक ख़ास बात है कि ये नीचे रेस्टोरेंट है और ऊपर हमारा ये पूरा होटल है, और यहाँ से बस स्टैंड दिख रहा है और सामने से ट्रेन भी जा रही है, तो जो रेलवे स्टेशन भी है वो काफ़ी करीब है यहाँ से, देख सकते हो। शायद लोकल है, मालूम नहीं। और यहाँ पे बैठने की जगह है, छोटा सा एक सोफ़ा है। तो खैर अभी है सोने की तैयारी, और बहुत ज़्यादा थक गए, रात की 11 बज रही है, और कल हम यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली चेकआउट करने वाले हैं, और चेकआउट करके जाएंगे वृंदावन साइड। मेन मंदिर जितने भी हैं वो वृंदावन में ही है, आप लोगों को मालूम होगा, तो मैं कल चल के आपको वो सारे मंदिर दिखाने की कोशिश करूँगा। हालांकि बहुत सारी जगहों पर रेस्ट्रिक्शन रहता है, दिखा नहीं पाते हैं यार, बिकॉज फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं रहती है। जैसे आज जन्मभूमि में मैं सोच रहा था कि शायद उधर ले जाने देंगे, मुझे मालूम नहीं था, पर ले जाना अलाउड नहीं था और उधर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, तो कुछ दिखा नहीं पाया आपको। पर खैर कल रक्षाबंधन है, तो होपफुली देखते हैं वहाँ पे जिस जिस जगहों पे ले जाने देंगे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये जगह से मैं चेकआउट करके अपने दूसरे होटल में जाने वाला हूँ, वो होटल का भी आपको टूर दूंगा। तो फाइनली अभी तो सोने की तैयारी है, तो गुड नाइट, और मिलते हैं फाइनली सुबह को। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी बज रही है सुबह की 11, और अभी हम फिलहाल आ चुके हैं वहाँ पर उसी रेस्टोरेंट में। आप देख सकते हो अभी कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है मिठाइयाँ फ्री में बट रही है, इतनी लाइन लगी हुई है, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है कि लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। खैर यहाँ का जो खाना है ना, वो खाना बहुत सही लगा यार, अगर यहाँ पर आओ तो एक बार इसको विज़िट ज़रूर करना, आपको मज़ा आएगा। और वैसे तो होटल भी इससे चिपका हुआ ही है, तो आप यहाँ पे भी रह सकते हो आके। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं सरोवर में, और वहाँ पे चल के आपको अपने होटल का चेक इन दिखाता हूँ, और मतलब जो होटल का कैसा रूम है वो भी आपको चल के वहीं पे दिखाता हूँ मैं, तो चलो चलते हैं। तो गाइज फाइनली आ गए हैं हम सरोवर पोर्टिको में, और ये वाला वृंदावन में, दिस इज़ द रूम। थोड़ा जूम आउट करता हूँ यार, ये बेड है और ये सोफ़ा कुछ इस तरीके से, और ये फ़िलहाल कॉम्प्लीमेंट्री है, और बाकी यहाँ पर और भी कुछ रिफ्रेशमेंट होंगे यार, मालूम नहीं, बाकी वो सारे पेड है एज यूजुअल। हाँ कुछ तो पड़ा है। खैर वॉशरूम दिखा देता हूँ, वॉशरूम भी बहुत प्यारा है, बहुत बढ़िया, सही जगह एकदम। और ये देख सकते हो आप, एकदम प्यारा सा, बहुत सही जगह है यार। ये कुछ यहाँ पे, और यहाँ पर एक अलमीरा है भाई, और आयरन बोर्ड और कुछ चाहिए तो आप मंगा सकते हो, सेफ एज यूजुअल, जो मैरियट हर जगह मिलता है। खैर मुझे घर वालों को एक अच्छी जगह पे ही रुकवाना था, तो इसलिए मैंने ये जगह बुक करी, बहुत प्यारी जगह, लिटरली बहुत प्यारी जगह। अगर आके रुक सकते हो यहाँ पे, अगर आप फैमिली के साथ हो और आपको भी एक अच्छा होटल चाहिए और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आके स्टे कर सकते हो। कल जो मैं सेंट्रम होटल में रुका था वो भी बहुत प्यारा था, आपने देखा, और अभी आप ये देख सकते हो इसके बाहर, ये देखो भाई प्यारा व्यू है, जैसा आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई मुझे वृंदावन में ऐसा व्यू मिलना चाहिए, वैसा ही व्यू है। शायद विंडो खुलती नहीं है इसकी, हाँ विंडो नहीं खुलती भाई, यहाँ पे कुछ वो नहीं है, पर आप देख सकते हो। और मंदिर यहाँ से सब पास में ही है, और सामने रोड दिख रहा है। आज मेरा स्टे यहीं होने वाला है, और मोस्ट प्रोबेबली कल भी मैं यहीं रहूँगा, बिकॉज़ कल हम गोकुल जाने वाले हैं, और
दूसरे गांव जो आसपास के हैं, नंदगांव हैं, वो एक्सप्लोर करेंगे। पर आज का हमारा जो पूरा दिन है वो वृंदावन में बीतेगा, और वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं जो शाम को 4 बजे खुलते हैं। अभी तो 2 बज रही है, तो अभी 1-2 घंटा आराम करके फिर इवनिंग में आप लोगों से मिलते हैं, और इवनिंग में मैं आपको सारे मंदिर दिखाता हूँ। जो इवनिंग में ये मंदिरों की ब्यूटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है वृंदावन की, और होपफुली मुझे और आपको वही चीज़ देखने को मिलेगा। तो चलो मिलते हैं फिर शाम को 4 बजे, और आपको लेके चलता हूँ फाइनली वृंदावन घुमाने। और ये है गाइस होटल का रिसेप्शन एरिया। यहाँ पे बहुत सारी कृष्ण जी की मूर्तियाँ लगी हुई है, कुछ सिटिंग एरिया है, और बहुत ही प्यारी जगह है यार। मतलब यहाँ पे बैठ के एक अलग ही मज़ा है, इन्होंने बहुत अलग ही फील दे रखा है। यहाँ पे बहुत सारी तरह तरह की मूर्तियाँ और पेंटिंग्स लगी हुई हैं कृष्ण जी की, और साइड में यहाँ पे बुक्स है, गीता और काफ़ी सारी बुक्स है यहाँ पर जो आप पढ़ सकते हो बैठ के। और सामने कुछ ऐसा नज़ारा है बाहर की तरफ, और यहाँ से थोड़ा आगे चलें तो यहाँ पर भी सेंटर में एक होली बुक रखी हुई है, और सामने कृष्ण जी की मूर्ति लगी हुई है, और लेफ्ट में कुछ सुवनियर शॉप है, और सामने की तरफ है डाइनिंग एरिया, और यहाँ से है होटल के अंदर जाने का रास्ता। तो गाइज बज चुकी अभी 4, और फाइनली अभी हम जा रहे हैं निधिवन की तरफ। पर फिलहाल मैंने सोचा कि मैं होटल के बाहर ही हूँ तो आपको होटल दिखा दूँ कैसा दिख रहा है। अंदर के तो नज़ारे आपने देखे, ये बाहर से ऐसा है, और कुछ ऐसी जगह है यार। थोड़ा जूम आउट करता हूँ, अच्छा दिख रहा है। ये इकलौता ही मुझे सबसे लग्जरी होटल दिखा यहाँ पर मथुरा और वृंदावन में। और यहाँ से भी पीछे की तरफ एरिया है जहाँ पर आप जा सकते हो, शायद गार्डन है पीछे, और बैंक्वेट है, ये लिखा हुआ है बैंक्वेट। और फिलहाल शाम के टाइम पे फ्री बेवरेजेस थे, और फ्री का माल तो वैसे ही किसको पसंद नहीं आता है। खैर अभी हम बेवरेजेस लेके डायरेक्टली जा रहे हैं निधिवन, तो आपको अब वहीं मिलता हूँ। यहाँ पर बाहर इजीली, वैसे तो खाली है यार ये पूरी जगह, मैं आपको दिखाऊँ, ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है जैसे दूसरी जगहों पे होता है। जैसे कल के होटल पे दिखाया, ये जगह जो है बहुत ज़्यादा खाली सी जगह है जहाँ पर ये सिचुएटेड है। पर यहाँ से सारे मंदिर बहुत पास में है, और जगह तो अच्छी दिख रही है, रोड भी अच्छा है, जगह भी अच्छी है। और ये कुछ ई रिक्शॉज खड़ी है यहाँ पर, और इससे हम अभी जाएंगे निधिवन की तरफ। चलते हैं और देखते हैं वृंदावन की ब्यूटी। हर जगह बंदरों को घुसना है। हर जगह है। हाँ मालूम है ना। और गाइस ये है कुछ अंदर से नज़ारे गोविंद देव जी मंदिर के, और कुछ पुराना आर्किटेक्चर ऐसा बना हुआ है, और यहाँ पे कोई बांसुरी बजा रहा है। एक्चुअली यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं मूर्ति नहीं दिखा पाऊँगा जो जस्ट हमारे पीछे की साइड है। पर यहाँ का आप आर्किटेक्चर देख सकते हो। एक्चुअली यहाँ के बंदर जो है ना, बंदर बहुत ज़्यादा शैतान है, वो आपके हाथ में जो भी चीज़ होती है वो सब कुछ छीन लेते हैं यार। तो प्लीज़ इन रस्तों से थोड़ा सा संभल के जाना अगर आओ तो, और कुछ चीज़ें लेकर मत आना। और ये साइड का पूरा मार्केट है, और यहाँ से हम अभी आगे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर निधिवन के वृक्ष लगे हुए हैं, जहाँ पर आपने सुना होगा कि कृष्ण जी की रास लीला होती है। तो अभी चलो वही चलकर देखते हैं।
चश्मा लेके भाग गया। स्कूटी का बैग भी छीन लिया। निधिवन की एंट्रेंस के लिए जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पर एक और मंदिर दिखेगा जो कृष्ण जी को ही समर्पित है, और यहाँ की इतनी प्यारी मूर्ति देख के बिल्कुल दिल खुश हो जाता है यार। और ये सामने आप देख सकते हो तरह तरह की यहाँ पे आइडल्स लगे हुए हैं, और ये है पूरा मंदिर। यहाँ पे एक्चुअली फ़ोटोग्राफी अलाउड थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं कैसा दिखता है। पीछे की साइड कुछ है नहीं, वो जगह जो है वो पूरी बंद है, और वहाँ पर शायद यहाँ के सेंट लोग रहते हैं। पीछे से आप देख सकते हो कोई भी नहीं है वहाँ। और थोड़ा सा आगे आने के बाद गाइस ये है पूरी एंट्रेंस निधिवन की, और यहाँ पर अपने जूते रख के हम अभी अंदर की तरफ जाएंगे, और यहीं पे वो सारे वृक्ष लगे हुए हैं, तो चल के देखते हैं। अंदर का रास्ता इधर से जाते हैं। भगवान ने राज किया, कहाँ श्रृंगार किया, सभी जानकारी। राधे राधे राधे। आगे आगे। और ये है मेन जहाँ पे वृक्ष लगे हुए हैं। कैसे शेप में है यार, ऐसे दिखते कहाँ हैं। यहाँ पे कोई नीचे कुंड है, कुआ पानी भरने का शायद, वो भी बंद है। और ये देखो यहाँ के सब पेड़ निधिवन के। बहुत खूबसूरत जगह गाइस। पीछे की तरफ देखो कैसे कैसे पेड़ हैं ये। यहाँ की साइड एक मंदिर है कृष्ण जी का, फोटो खींचना मना है लिखा है इधर, तो अंदर तो नहीं दिखा पाऊंगा। तो गाइस मंदिर से बाहर निकलने के बाद यहाँ से हम आगे की तरफ जाते हैं, तो आप देख सकते हो कैसे ये पेड़ लगे हुए हैं। ये पेड़ आपको नॉर्मल जगहों जैसे तो नहीं दिखेंगे, बहुत डिफरेंट है, और पूरे सब अलग अलग शेप्ड आकार में बेंड हुए हुए हैं। यहाँ पे एक और मंदिर है गाइस। जो भी मन के अंदर आपके अंदर यहाँ चमककार है, एकादशी के दिन पांच दानों को कटोरी में धो करके लाल कपड़े में फेंक करके। भैया ये कभी बंद हो जाता है, कितनी बजे, उसके बाद देखने नहीं देते आप लोग भी चले जाते, सबको निकाल देते हैं ना। पक्का है कि इधर आते ही रासलीला करने। ये देख सकते हो आप, ये पेड़ भी पूरा झुका हुआ एकदम बीचों बीच है, और इस पे कुछ पूजा की मालाएं बंधी हुई है।
और एक्चुअली ये गाइस पूरी जगह जो है ना पूरी इन्होंने बंद कर दी है एक बिल्कुल पिंजरे की तरह। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ था कि अगर आप यहाँ से वृक्ष के नीचे की मिट्टी उठाने की कोशिश करते हैं या आप लेके जाने की कोशिश करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना होगा। तो शायद पवित्र स्थान होने की वजह से ऐसा लिखा हुआ है। और गाइस अभी मैं आ चुका हूँ बांके बिहारी जी के मंदिर में और आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी भीड़ है। एक्चुअली अंदर कैमराज ले जाना अलाउड नहीं है और कैमरा अगर ले जा भी गए तो फ़ोटो कोई खींचने नहीं देगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं। पर अगर दिखा पाया तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये कुछ यहाँ का मार्केट है आप देख सकते हो। खैर भीड़ इतनी ज़्यादा है ना बाहर से जब से आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल लोगों का सैलाब आ गया है यहाँ पे। किसी को भी अंदर फ़ोटो खींचना इसलिए अलाउड नहीं है बिकॉज़ ऐसा बोलते हैं कि जो भी तस्वीर खींचता है और लोग देख लें तो ये तस्वीर उनको मोह लेती है। इस कितनी ज़्यादा भीड़ है ये मैंने कोशिश तो करी पर कुछ भी फ़ोटो लेने नहीं दिया तो मैंने ऑनलाइन निकाला है और आप देख सकते हैं ऐसे दिखते हैं बांके बिहारी जी। और अभी हम वहाँ से निकल के आ चुके हैं प्रेम मंदिर में गाइस। यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि शायद बांके बिहारी जी के टेंपल से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि 10-20 हज़ार लोग होंगे अंदर बिकॉज़ यहाँ पे अभी लाइट शो होता है और जस्ट अभी जन्माष्टमी का टाइम भी है तो शायद इस वजह से इतनी भीड़ है। खैर इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज जी ने करवाया था राधा जी के लिए। तो ये देखिए गाइस कुछ ऐसा दिखता है प्रेम मंदिर, बहुत प्यारा लग रहा है और यहाँ पे अलग अलग तरीके के लाइट शो चल रहा है। एक्चुअली मुझे तो अंदर जाने नहीं दिया तो ये जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं ये मेरी सिस्टर ने बनाई है और यहाँ पे अलग अलग तरीके का शो चल रहा है, बहुत सारी झांकियाँ लगी हुई हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है। मुझे एक्चुअली अंदर इसलिए नहीं जाने दिया जस्ट बिकॉज मेरे पास कैमरा था तो कैमराज अंदर अलाउड नहीं है। ये मुझे समझ नहीं आया कि मोबाइल अलाउड है पर कैमरा अलाउड नहीं है। खैर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे और ये मंदिर को अलग अलग तरीके की लाइटिंग में शो किया जा रहा है, काफ़ी लोग देखने आए इसको और यहाँ पे बीच में तरह तरह का शो चल रहा है। कृष्णा और राधा जी की कितनी प्यारी तस्वीर लग रही है यार, कितनी प्यारा तरीके से सजाया गया है। और यहाँ पे गोवर्धन पर्वत को कृष्ण जी उठा के खड़े हैं और यहाँ पर कुछ कृष्ण जी की दूसरी मूर्तियाँ लगी हुई है। तो प्रेम मंदिर में मेरी तो किस्मत ख़राब थी, मेरे को तो अंदर जाने ही नहीं दिया पर मेरी सिस्टर चली गई थी तो मैंने उसने कुछ वीडियोस ले लिए थे तो वो वीडियोज़ ही मैंने आपको दिखाए। और फ़िलहाल मैं अभी खड़ा हूँ द रॉयल भारतीय होटल में जो जस्ट हमारे होटल जो सरोवर पोर्टिको है उसके पास में ही है और उसमें बहुत अच्छा होटल है और खाना खाने आए थे हम बेसिकली यहाँ पे। और अभी वापस जा रहे हैं होटल में और अभी सोने की तैयारी है, फिर कल मॉर्निंग में इस्कॉन जाएंगे और देखते हैं उसके बाद क्या प्लान बनता है क्योंकि मंदिर तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं पर अभी मेन प्लान इस्कॉन का ही है। और जाते हैं अभी सोते हैं और आप लोगों से मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग गाइज, तो आज हम आ चुके हैं इस्कॉन मंदिर में। इस मंदिर को श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस्कॉन ये जो मंदिर है ये रमन रेती एरिया में सिचुएटेड है वृंदावन के, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है आप देख सकते हैं। और इन गलियों से होते हुए हम अंदर की ओर अभी जा रहे हैं। ये जो मंदिर है ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर ना ही आप लोगों को सिर्फ हिंदू लोग इंडियन लोग बल्कि फॉरेनर्स रशियंस अफ्रीकन्स काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कृष्ण जी की भक्ति करते हुए और कृष्ण जी के कीर्तन में मग्न हुए
दिखेंगे। तो अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ गाइस। ये एंट्रेंस है और यहाँ से मेन जो आइडल है कृष्ण जी का वो यहीं विराजमान है। इससे ज़्यादा खूबसूरत दृश्य मैंने आज तक नहीं देखा। ये जो जगह है गाइस, ये बाहर की जगह है और यहाँ पर और भी बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। बलराम जी का मंदिर बना हुआ है, श्रील प्रभुपदा जिन्होंने इस्कॉन को फाउंड किया था उनका भी यहाँ पर मंदिर है। और आप देख सकते हो कितना प्यारा बना हुआ ये मंदिर। यहाँ पर आगे की तरफ महाप्रसादम मिलता है और अगर आप लोग यहाँ पे स्टे बुक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो गाइज हमको तो एक्चुअली वापस आना पड़ा इस्कॉन से बहुत जल्दी, बिकॉज इस्कॉन में हमको लेट हो रहा था, हमारी ट्रेन थी तो बहुत जल्दी भाग कर आ गए। पर यहाँ पे आके एक्चुअली पता पड़ा कि ट्रेन जो थी ना वो 2 घंटा डिले थी, इसी वजह से मैं आपको पूरा जो इस्कॉन था वो दिखा नहीं पाया। पर इस्कॉन बहुत अच्छी जगह है, अगर आप लोग भी वृंदावन में आओ तो एक बार उसको ज़रूर विज़िट करना और पूरा देखना। एक्चुअली मुझे और भी एक्सप्लोर करना था और उसको वहाँ पर इच्छा तो थी कि वहाँ पर जाकर कुछ प्रसाद भी खाया जाए, सिंस हम इतनी दूर आते हैं तो यार ये सब तो करना ही चाहिए। बट हमारी अनफॉर्चुनेटली ट्रेन थी, मुझे मिल नहीं रही थी यार पहले ट्रेन पर, ट्रेन ना एकदम टाइम पे मिल गई तो बुक कर ली और इमीडिएटली यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे आके 2.5 घंटे के बाद मुझे ट्रेन बुक करने को मिला, जबकि हम एग्जैक्टली टाइम पर पहुँचे थे। तो यहाँ पे आके एक्चुअली पता पड़ा कि इतनी डिले हो गई है, तो फिर लग रहा था कि थोड़ा और ज़्यादा उसको घूम लेना था यार इस्कॉन को, और थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेना था। खैर तो हमारा सफ़र यहीं तक का था और ये सारी चीज़ें थी वृंदावन की और मथुरा की। अब मैं आपको कुछ चीज़ें जो मैंने अपने मोबाइल में लिख दी है
तो वो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको कैसे आना है। सबसे पहले तो बात की जाए, अगर आप आना चाहते हैं तो एयर से आ सकते हैं, मतलब फ़्लाइट से आ सकते हैं। जो दिल्ली एयरपोर्ट है वो बहुत पास में है और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 160 किलोमीटर्स की दूरी पर है। उसके अलावा आगरा एयरपोर्ट भी है, पर आगरा एयरपोर्ट पे फ़्लाइट्स इतनी आती नहीं है, दिल्ली तो बहुत कॉमन है। तो आगरा पे भी अगर आप आओ तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर दूर पे मथुरा पड़ेगा। और वैसे तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप बाई ट्रेन ही आ जाओ और ट्रेन डायरेक्टली आपको मथुरा स्टेशन पर छोड़ेगी और वहाँ से आप एक्सप्लोर करने निकल जाओ। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन ये है कि आप बसेस के थ्रू भी आ सकते हो मथुरा में। हम तो बस के थ्रू ही आए थे और एक्चुअली मैं इंदौर में रहता हूँ, पर डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन, आप कौन सी लोकेशन पे आप ट्रेन से यहाँ बाय फ्लाइट आ सकते हैं यहाँ पे। अब बात की जाए कि यहाँ पर आ गए और आने के बाद आपको कौन सा अकोमोडेशन रहेगा यहाँ पे, तो पहले मैं आपको 5-6 जो मैंने शॉर्ट लिस्ट करे हैं आप लोगों के लिए होटल्स, ये एक्चुअली थोड़े कॉस्टली होटल्स हैं, पर आप अगर अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो और अच्छे से अपना टाइम बिताना चाहते हो तो इन होटल्स में बिता सकते हो। तो स्टार्ट करता हूँ। पहला है बसेरा ब्रिज भूमि, इसका भी प्राइस 3-4 हज़ार के आसपास ही होगा पर नाइट। दूसरा है वृंदावन गार्डन, थर्ड वन है सरोवर पॉर्टिको जो जिसमें हम रुके थे, जो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया भी सही। उसके अलावा ब्रिजवासी सेंट्रम, ये भी मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया। पांचवा है SKS ग्रैंड विलास, ये भी बहुत अच्छी जगह है। और छठा लास्ट जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया है द रॉयल भारती। वहाँ पे एक्चुअली मैं कल रात को सिर्फ खाना खाने गया था तो मैंने देखा वो बहुत अच्छी जगह है और मैंने प्राइजेस भी वहाँ के कन्फर्म किए। 5-6 हज़ार रुपये का ही रेट था यार, ज़्यादा रेट नहीं है वहाँ पर, और ज़्यादा रेट मतलब अगर आप फैमिली के साथ रुक रहे हो तो, पर अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, आपको बैकपैकिंग करनी है और बजट ट्रिप्स करनी है, तो यहाँ पे बहुत सारे आश्रम्स बने हुए हैं। उनके तो नाम एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है बिकॉज मैंने ज़्यादा सर्च भी नहीं किया और मैं वहाँ पे रुका भी नहीं, पर यहाँ पे बहुत सारे आश्रम्स हैं जो इजीली अवेलेबल हैं और वहाँ पे भी आके आप इजीली अकोमोडेशन ले सकते हो। और बहुत बजट ऑप्शंस हैं, 100-200 रुपये तक के ऑप्शंस भी हैं यहाँ पर। और उसके अलावा डॉम्स फैसिलिटी अवेलेबल है, गोकुल में भी आश्रम से वहाँ पे भी जाके आप रुक सकते हो। तो ईजी है यार, यहाँ पे अकोमोडेशन इतना ज़्यादा टफ नहीं है। और थर्ड अब बात की जाए कि यहाँ पर आ तो गए पर यहाँ पे आके आपको ट्रैवल कैसे करना है, तो देखो मैं हमेशा ऐसे ट्रैवल करता हूँ कि मैं कोई भी टूर एजेंसी बुक नहीं करता हूँ। हम लोग ऐसे ट्रैवल, मतलब मेरा जो प्रेफरेंस रहता है वो यही रहता है कि मैं खुद जाके वहाँ पे अपने आप सारी चीज़ें रिसर्च करता हूँ और फिर घूमता हूँ, आइदर थ्रू लोकल ट्रांसपोर्ट या कभी अगर लोकल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं रहता है कुछ रिमोट लोकेशंस, जैसे कश्मीर में आपने देखा था, तो मैं वहाँ पर अपनी गाड़ी को हायर करता हूँ। तो डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन, बट मथुरा में एक मथुरा वृंदावन की खास बात यह है कि यहाँ पर ई रिक्शॉज अवेलेबल है। ओला उबर से उम्मीद मत रखना, हमने भी बहुत कोशिश करी पर बहुत टाइम तो वो मिल नहीं रही थी और आधे टाइम तो अवेलेबल ही नहीं थी। तो सबसे ईजी ऑप्शन है यहाँ पर ई रिक्शा। आओगे तो बार्गेन बहुत अच्छा खासा करना बिकॉज टूरिस्ट देख के आप लोगों से ज़्यादा चार्ज करेंगे और मथुरा आप उसके थ्रू घूम सकते हो और उसके अलावा वृंदावन भी पूरा घूम सकते हो थ्रू ई रिक्शा। तो बहुत इजी ऑप्शन है और बहुत अच्छा ऑप्शन है ई रिक्शा के थ्रू घूमना। रात में खाना लेंगे आप? नहीं। तो भैया आए थे हमसे डिनर पूछने के लिए, एक्चुअली ये सेकेंड ए सी है इसलिए वो पूछने आए थे कि आप रात को खाना खाओगे कि नहीं। मैं अभी बैठा हूँ अमृतसर इंदौर एक्सप्रेस में, मैं अपने घर पे जा रहा हूँ और वहाँ से एक्चुअली मैं अपनी सिस्टर और मम्मी को छोड़ के अगली लोकेशन पे जाने वाला हूँ, इसलिए हम भाग गए एकदम से यहाँ पे। एक्चुअली 3 दिन का ही हमारा वैसे भी प्लान स्टे था और हमारी लोकेशन सबको ज़्यादा एक्सप्लोर करनी थी, बट जब बाहर आते हैं तो नींद बहुत आती है यार, और फैमिली के साथ आओ तो सच में नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो आज भी हम बहुत ज़्यादा लेट उठे थे वरना हम 2-3 चीज़ें और देख लेते। खैर अब यहाँ पर एक्चुअली आओगे तो आपको क्या क्या करना है, देखो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मथुरा एक ऐसी जगह जो आप इजीली खुद आके खुद मज़े ले सकते हो, खुद घूम सकते हो। जो मैंने आपको 3-4 मंदिर यहाँ पे बताए वो मेन मंदिर थे मथुरा के, और आप इजीली उन जगहों पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे हर मंदिर में बेसिकली तो आपको कृष्णा जी की ही मूर्ति दिखेगी, तो अच्छी जगह है, आप एक बार उनको एक्सप्लोर करना। और मथुरा में मुझे पर्सनली जो सबसे अच्छा लगा वो बिरला मंदिर था, जहाँ पर मैं गया था आपको दिखाया था मैंने, वहाँ पे बहुत अच्छी उनकी मूर्ति रखी हुई थी, आप जाके उसको देख सकते हो, मंदिर अच्छा है। और वहाँ पे पीछे कुछ चीज़ें भी रखी हुई है महाभारत की, तो वो भी आके जाके आप देख सकते हो। और बाहर आपको मार्केट मिलेगा, वहाँ से अगर आपको ख़रीदना है कुछ तो ख़रीद लेना।
और इसके अलावा आप फर्स्ट दिन अगर मतलब आइटनरी ऐसे प्लान कर सकते हैं कि पहला दिन जो है वो मथुरा में स्टे कर सकते हैं, और मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा दो दिन या एक दिन आप वृंदावन में जाके रुकें। मथुरा में इतना कुछ नहीं है, मेन जो है वो सब वृंदावन में ही है। अब वहाँ से आप टैक्सी लो अपने मथुरा से, और मथुरा से अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर की दूरी पर है वृंदावन, ज़्यादा दूर नहीं है। और वृंदावन में जाकर एक्चुअली वैसे तो वहाँ पर 5,500 मंदिर हैं, पर जो मैंने आपको 4 मेन मंदिर दिखाए उनमें से मुझे सबसे अच्छा इस्कॉन लगा, और ये 4 ही मेन मंदिर हैं वहाँ पर। उसके अलावा आप बहुत सारे मंदिर हैं जो आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो यार खुद से, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी टूरिस्ट एजेंसी की कि वो आपको वहाँ पर लेके जाए। पर अगर आपके साथ बड़ी फैमिली है तो आप टेम्पो ट्रैवलर हायर कर सकते हो 2 दिन के लिए, वो भी आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगी। और यहाँ पर स्कूटी और एक्टिवा भी रेंटल ऑप्शन थे यार, उसमें भी लोग ट्रैवल कर सकते, पर शायद वो नया है तो ज़्यादा दिख नहीं रही थी, पर कहीं कहीं पर था, तो वो भी आके आप इजीली यहाँ से रेंट लेके आप खुद ही घूमो यार। सब अगर आप सोलो आ रहे हो, फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो, तो इजीली आप घूम सकते हो, ज़्यादा कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। उसके अलावा वृंदावन में इस्कॉन जरूर जाना, बांके बिहारी जी का जो मंदिर है वो सबसे अच्छा मंदिर है, वो भी आप जाके देखना, वो ही मेन मंदिर है एक्चुअली। हालांकि जितना मुझे तो कोई फ़ोटो वहाँ पे लेने नहीं दिया, पर जितने ले पाया वो आपने देखा व्लॉग में, पर आप उसको एक बार जाके जरूर देखना। और सबसे अच्छा इस्कॉन मंदिर है, इस्कॉन मंदिर में आप 3-4 घंटे जाके भी बैठ जाओगे, वहाँ पे कीर्तन चलते हैं जो आपने व्लॉग में देखा, बहुत मज़ा आया उनमें, और आप शांति से जाके वहाँ पे बैठ सकते हो और मज़ा आएगा आपको बहुत। उसके अलावा अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है और एक्स्ट्रा दिन आपको देना है तो आप नंदगांव जा सकते हो और बरसाना। नंदगांव और बरसाना आसपास में ही है, 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। नंदगांव जो है वो नंद मतलब कृष्ण जी के पिता के नाम पर रखा गया है, इसलिए उसको नंदगांव बोलते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, आप जाके वो चीज़ें देखना, और आपको डायरेक्ट वो लोग मथुरा से भी लेके जा सकते हैं और वृंदावन से भी ले जा सकते हैं, पर वृंदावन से पास पड़ेगा तो वृंदावन से जाके आप वो देख सकते हो। उसके अलावा आप चाहो तो गोवर्धन भी जा सकते हो, गोवर्धन पर्वत आप सभी को पता है कृष्ण जी ने उठाया था उसको, ऐसा माना जाता है, तो आप जाके उसकी परिक्रमा कर सकते हो आइदर थ्रू ऑटो, या आप खुद भी अगर चाहो तो उसकी परिक्रमा कर सकते हो और वहाँ पर जाके आप उसको विजिट कर सकते हो। छोटा सा शायद ट्रैक है, अच्छा ट्रैक है, उसको जाके आप इंजॉय करो, मज़ा आएगा आपको बहुत। उसके अलावा आप वृंदावन में परिक्रमा कर सकते हो, जो अप्रॉक्सीमेटली शायद लोग बोल रहे थे कि 21 किलोमीटर्स की है, और आप अगर परिक्रमा करने निकलोगे तो 12 घंटे लगेंगे। आपने देखा होगा अक्सर वीडियोस में कि लोग परिक्रमा करते हैं वहाँ पर अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है, जैसे मेरी मम्मी भी है, वो ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप टू व्हीलर या सॉरी ये जो ई रिक्शा है, ई रिक्शा बहुत ईजीली अवेलेबल है, उसके थ्रू भी वहाँ पर परिक्रमा होती है। अगर आपको इशू होता है कि इतना किलोमीटर्स, ऑब्वियस ही बात है 21 किलोमीटर कौन चलेगा यार, तो जो नहीं चल पाता है ना, तो इसके थ्रू भी आप पूरी परिक्रमा करवा सकते हो। उसमें आपको जगह जगह पे अलग अलग बहुत सारे मंदिर दिखेंगे, वो विज़िट करो, और उसके बाद आप जिस स्थान से चालू करते हो ना बस वहीं पर एंड करना, ये मेन चीज़ आप ध्यान रखना कि परिक्रमा जहाँ से चालू होती है वहीं पर एंड होती है। अप्रॉक्सीमेटली 21 किलोमीटर्स का है, ऑटो वाला आपसे कुछ सर्टन अमाउंट चार्ज करेगा और वो आपको पूरा घुमा देगा, तो ये है। और इसके अलावा अगर आप मथुरा में रहते हो तो मथुरा से आप गोकुल भी जा सकते हो। गोकुल मेन जगह है जहाँ पे कृष्ण जी ने माखन चुराया था, सब कुछ वहीं पे किया था उन्होंने, आपको मालूम होगा गोकुल इज़ द मेन स्टेशन, मतलब मेन जगह है कृष्ण जी की, तो वो आपको मथुरा से डायरेक्ट लेकर जाएंगे। ये जितनी भी जगह हैं ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 60-70 किलोमीटर्स दूर पड़ेंगी। बरसाना जो है वो भी दूर है, 47-48 किलोमीटर्स दूर है वृंदावन से। गोकुल जो है वो भी दूर है। उसके अलावा जो गोवर्धन है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 20-30 किलोमीटर्स है। तो अगर आप एक दिन एक्स्ट्रा निकालोगे तो कम से कम आपको 200 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, आना जाना सब मिला के, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए डिपेंडिंग ऑन वहाँ पे जाके आप कौन सी लोकेशंस देख रहे हो, बिकॉज वहाँ पे भी आप जिस गांव में जाओगे, गोकुल में जगहें देखने की है, नंदगांव में जगहें देखने की है, तो वो सब भी आप ट्रैवल करोगे तो एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली आपको हो सकता है 250-300 किलोमीटर भी ट्रैवल करना पड़ जाए। पर इसके लिए अगर आपके साथ फैमिली है तो आप एक वहाँ पे रिक्शा अगर परफेक्ट नहीं बैठी है, रिक्शा में यार फंस जाते हैं, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि कोई कार हायर कर लेना एक दिन के लिए, 2,000 से 3,000 रुपये के बीच में आपको देंगे, उससे ज़्यादा मत लेना। 4 लोग इजीली बैठ के आप ये सारी चीज़ें भी जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो में यही सब था गाइज़,
अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, दूसरों को भी दिखाना कितनी प्यारी जगह है। और मेरा एक ये है कि अगर आप घर वालों को कहीं भी लेके नहीं जा पाओ ना, मतलब मैं मानता हूँ हर किसी का बजट नहीं रहता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो कम से कम वृंदावन की नगरी में ज़रूर लेकर आना, दिखाना ज़रूर कि कृष्ण जी कहाँ पर रहते थे, क्या क्या उन्होंने किया, एक बार ज़रूर इस जगह को देखना। और एक्चुअली मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप मानोगे नहीं, मेरे साथ इतना बड़ा कोइंसिडेंस हुआ। मेरा एक ऐसा काम था जो 3-4 महीने से अटका पड़ा था, वो बहुत बड़ा काम था, वो हल नहीं हो रहा था किसी भी वजह से, और मुझे एक्सपेक्टेशन बहुत कम हो गए थे और उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी कि ये कभी सॉल्व होगा भी। ठीक है, हो जाता है ना, मतलब वो कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो। एक्चुअली ये बहुत पर्सनल बात है इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ। और आप मानोगे नहीं, मैं जिस दिन आया यहाँ पर, और एक्चुअली उसमें एक कंसर्न पर्सन एक इन्वॉल्व थे, तो उनका मैसेज आया कि आपका ये काम हो चुका है, विच वॉज़ वेरी कोइंसिडेंटल फॉर मी कि यार ये एकदम से कैसे हो गया। तो मैं तो इसको यही मानता हूँ कि कृष्ण जी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो एक बार आप यहाँ पर आना, और आपका कोई भी शायद अगर काम नहीं हो रहा हो और अगर आपकी कोई मन्नत पूरी नहीं हो रही हो, तो एक बार यहाँ पर आके उसको सोचना। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ वीडियो के लिए बोल रहा हूँ, पर वीडियो के लिए नहीं, मेरे साथ सच में ऐसा हुआ। मैंने जिस दिन यहाँ पे 3 दिन पहले आपने ब्लॉग में देखा मथुरा में कदम रखा, उस दिन इवनिंग में मेरे पास मैसेज आया। मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा, वरना शेयर ज़रूर करता बिकॉज बहुत पर्सनल बात है मेरी, पर वो काम मेरा हो गया, लिटरली हो गया। सो इट वॉज़ अ ब्लेसिंग बाय लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। सो एक बार प्लीज़ अगर कर सको, बहुत बजट में भी है, अगर आप स्लीपर में आना चाहो स्लीपर से भी आ सकते हो ट्रेन से, एक बार इस जगह को विजिट ज़रूर करना और इस जगह का आनंद ज़रूर उठाना। ठीक है गाइज, तो इस ब्लॉग में यही सब कुछ था। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, दूसरों के साथ शेयर करना। अब मैं मम्मी और अपनी सिस्टर को छोड़ के वापस अपनी सोलो जर्नी पे निकलने वाला हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत प्यारी लोकेशन होने वाली है नेक्स्ट वाली भी, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए और आबाद रहिए। बाय बाय।